हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, जो भी आज इस वीडियो को देखने वाले हैं, आज मेरे साथ है हमारी स्टूडेंट सोबिया अहमद, जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र स्टेट इंडिया में, और अभी ऑलरेडी जर्मनी में है। एंड सी हैज ज्वाइन फॉर मेडिसिन एम कोर्स इन जर्मनी। तो आज हम सोबिया से बात करेंगे कि क्या मतलब डिफिकल्टीज फेस की है। पहला चीज तो बहुत सारी चीजें मतलब वेट भी करना पड़ा हमको। तो पहले तो सोबी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप इंडिया में कहाँ से हो, कहाँ से स्कूलिंग की, और क्या चीज आपको मोटिवेट की जर्मनी में मेडिसिन पढ़ने कोर्स करने के लिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम सोबिया है। आई एम फ्रॉम मैं पुणे से हूँ एक्चुअली। मैंने पूरी स्कूलिंग अपनी पुणे में ही की है, फ्रॉम स्कूल इन पुणे। एंड हाँ, मुझे हमेशा से आई वाज इंट्रीग्ड अबाउट मेडिसिन एंड द बैकग्राउंड ऑफ बायोलॉजी। मुझे हमेशा इंट्रीग किया था, करती है। बट जर्मनी जर्मनी का मेन पर्पस वाज, पहले तो हम सबको ही पता है कि ऑफ कोर्स एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो एक है ही जर्मनी में। बट यहाँ का जो सिस्टम है मेडिसिन का, दैट हैज ऑलवेज बीन इंट्रीगिंग टू मी। या मैं बचपन से, हम लोग ने पढ़ा है ना, रॉबर्ट कॉक, ऑल ऑफ दीज साइंटिस्ट एंड ऑल एवरीबडी दैट यू लुक अप टू, दे आर फ्रॉम जर्मनी। बहुत रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है, जस्ट नॉट जस्ट मेडिसिन एज अ क्लिनिकल फील्ड, बट ऑल्सो मेडिसिन एज अ रिसर्च फील्ड। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपको ओपन दिखते हैं। मुझे ये हमेशा एक चीज़ थी जो जर्मनी के बारे में काफ़ी अच्छी लगती थी। सो आई चोज जर्मनी एंड देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। बट येस, ओके गुड। तो जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट थी इनिशियली? जब हमने आपको बताया तो क्या मतलब रिक्वायरमेंट थी, क्या लेवल तक आपको जर्मन पढ़ना चाहिए और आपके क्या परसेंटेज होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मन एज अ लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जर्मनी आके मतलब आना सोच ही नहीं सकते इफ यू डू नॉट नो जर्मन। एटलीस्ट B1 लेवल तक तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होना ऑन द लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। ऐसा मत सोचिए कि आप A1 A2 करेंगे और उसके बाद हो जाएगा, नहीं। वो यहाँ पे, और हमारा इनफैक्ट जिस जिस तरह का लेवल हम इंडिया में B1 का करते हैं और जो यहाँ पे एक्चुअली आके आपको यूज करना रहता है, आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप इंडिया में B1 करेंगे ऑफकोर्स, तो उस पर आपकी बहुत अच्छी ग्रास्प होगी। एंड देन आप यहाँ पे आएंगे, आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज पे काम करेंगे, देन यू गेट टू अ लेवल, सर्टेन लेवल, कि हाँ, यू कैन कन्वर्स विद पीपल एंड यू नो गेट इन टू द इन जनरल वर्किंग एनवायरमेंट इन जर्मनी। सो हाँ, लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। नो नो नथिंग, उसके बारे में आपको कुछ कोई डाउट ही नहीं रहने चाहिए। लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज ऑफकोर्स नथिंग बिलो 80% इज एक्सेप्टेबल। आई डोंट थिंक एनीथिंग बिलो 80 इज एक्सेप्टेबल। बट जितना आपका, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके 75% है या इस, तो आप कर ही नहीं सकते। ऑफकोर्स ऑप्शंस हैं, यू कैन कम योर और एग्जाम्स दे सकते हैं। एंड ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट के हमेशा चांसेस हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है। बट एक, जितना आपका परसेंटेज हाई रहेगा उतना आपको बाद में कम मेहनत करनी पड़ेगी, आई कैन से। क्योंकि जितना हम फाइनली जब FSP का स्कोर कैलकुलेट होता है, तो आपका इंडिया का स्कोर प्लस यहाँ पे जो आप FSP में स्कोर करते हैं, इट इज कम्बाइंड। सो जितना आपका इंडिया में स्कोर हाई रहेगा उतना यहाँ आपका स्कोर मिला के फिर यू कैन, जितना मतलब यहाँ पे स्कोर इज लाइक 1 to 5, एंड जितना 1 के क्लोज आप रह सकें इज बेटर। सो अगर इट्स एवरेज कम्युनिकेटिव रहता है, तो जितना आपका स्कोर हाई रहेगा दैट विल बी बेटर फॉर यू। दैट्स व्हाट, ये गुड। तो आपने तो अपना अफना में प्रोफोंग क्लियर कर लिया। आफनामा प्रिफोंग सर, मैंने तो पार्ट लिया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्टूडेंट को लेके, तो मुझे आफनामा प्रिफोंग नहीं देना पड़ा था। ओके मेरा ये बहुत सिचुएशन हुआ था, बिकॉज मैंने सिर्फ एक जगह पे अप्लाई किया हुआ था। ऑल्दो मतलब मुझे और कई जगहों पे अप्लाई करना था, बट हमारा वीज़ा का काफ़ी सारे इश्यूज हो रखे थे उस टाइम पे। तो मैंने सिर्फ एक ही, मैंने मेरा एप्लीकेशन ही एक जगह पे था और मुझे
अच्छा, मतलब एक हफ्ते से कम मिला था फॉर ऑल ऑफ द प्रोसेस कि मैं जर्मनी जा रही हूँ, मुझे एक हफ्ते में रियलाइज हुआ था, ओह दैट इज बट हैपनिंग. मेनली मेनली क्या होता है ना, अगर आपके पास इंडिया में B2 है ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास बन के आते हैं, लेकिन जब बी हाँ पे हम लोग पब्लिक के लिए ट्राई करते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट भी होता है लेना, बट B2 में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी आप ऑलरेडी जर्मनी में हो और आपका M कोर्स चल रहा है ना, मेडिकल कोर्स, हाँ तो आपको बिल्कुल. कितना मतलब वो डिफिकल्टीज या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो, जो स्टूडेंट देखेंगे कि जो भी M कोर्स करना जर्मनी आना चाहते हैं तो क्या मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें, या क्या एफर्ट लगाना चाहिए, या कितना मेहनत रिक्वायर है उसके लिए एफर्ट। ओके. डिफिकल्ट तो है, बिकॉज अगर आप एम कोर्स करने के लिए आ रहे हैं तो पहले से ये माइंड में रखिए कि जर्मन, साइंटिफिक जर्मन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जर्मन. तो जैसे जब आप आओगे तो आपको एक धक्का लगेगा, ये श्टॉफ महंगा क्या होता है, ये क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट यू नीड टू, मतलब इवेंचुअली आपकी आदत पड़ जाएगी क्योंकि वो बार 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 सुनाई देते हैं. बट बेटर होगा अगर आप पहले से थोड़ा सा देख लें कि जैसे केमिस्ट्री में बेसिक, आप जब ऑफ नॉर्मल प्रूफिंग के लिए पढ़ेंगे तो यू विल नो कि कैसे होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यू कैन मतलब सर्च अप, और काफ़ी सारी बुक्स हैं. तो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट पहले से कर दें कि अगर आपको हाँ भाई करना ही, एम कोर्स ही करना है और यू हैव टू डू दिस, तो पहले से थोड़ा सा अगर साइंटिफिक जर्मन पढ़ाते रहा जाए तो बेटर होगा. क्योंकि मुझे पर्सनली ये काफ़ी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी डिफिकल्ट लगा कि साइंटिफिक जर्मन को, यू नो, गेटिंग यूज टू साइंटिफिक. ऑल्दो हमने पढ़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया ही हो रहा है यहाँ पे, बट नया फिर भी है क्योंकि काफ़ी इनके कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनके क्वेश्चंस बनाने के तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं, यू हैव टू आंसर इन अ डिफरेंट मैनर, और पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है. तो गेटिंग यूज टू ऑल ऑफ दैट टेक्स सम टाइम, एंड ऑफ कोर्स आपकी तरफ से काफ़ी एफर्ट लगते हैं. दैट्स तो व्हाट आई क्या वुड थिंक. अभी आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मतलब यूजुअली रेगुलर ही आपकी क्लासेस चल रही है, तो ओके, क्या क्या हाँ, तो सब्जेक्ट रेगुलर क्लासेस आपने? में, हाँ हाँ जी, सो वी हैव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जर्मन. तो ये चार सब्जेक्ट्स हैं, और यही चार सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका फाइनल जो FSP जो एग्जाम रहता है वो भी इनके ऊपर ही रहता है. ऑल्दो मैं जो स्टेट में कर रही हूँ, मैं NRW में कर रही हूँ, तो अगर आप C1 लेवल का टेल्क एग्जाम दे देते हैं तो आपको FSP में जर्मन एग्जाम से एग्जेम्पशन मिल जाता है. तो आपको तीन एग्जाम्स ही देने पड़ते हैं, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो बीओ, केम एंड फिजिक, ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, ये भी ये कम्युनिकेटिव फॉर्म में, इसका जो क्या बोलते हैं, सिलेबस रहेगा, ये हमारा इंडिया का 10th to 12th का जितना भी है वो सब मिला के एक रहता है, और इट इज ऑल इन जर्मन, बस उतना ही फर्क है. बाकी कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, इज वॉट आई एम गोना से. और आपका डे रूटीन क्या है अभी प्रेजेंटली, ओके. क्या करते हैं आप डे रूटीन, कब आपकी क्लासेस लगती है, कितने दिन छुट्टी रहती है, क्या करते हैं आप, हाँ, डे रूटीन क्या है आपका? काफी काफी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू गाइस आर यूज्ड टू इन इंडिया. तो 5 दिन, मेरी क्लासेस 5 दिन होती हैं, उसमें से हमारा टाइम टेबल अभी फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा है कि 2 दिन मेरी क्लासेस होती हैं 11 बजे से, और बाकी सारे दिन सुबह 8:30 बजे से. एंड मैं मेरी जो सिटी है उससे थोड़ा बाहर, जहाँ पे मेरा क्लासेस होती है वहाँ से थोड़ा, मैं थोड़ा बाहर रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम तो ट्रैवलिंग में भी लगता है. तो हर दिन वो हमारा DB का सिस्टम, दौशबान का, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में टाइम जाता है. बाकी मैं सुबह उठती हूँ ऑन डेज वेयर इट्स माई क्लासेस आर 8:30, गेट अप अर्ली 6:30 बजे उठ के, कुछ खाने वाने का बनाओ, उसके बाद बैग वगैरह पैक करके तैयार होके, क्लासेस क्लासेस रहती है मेरी 1:30 तक, अगर 7:30, अगर सुबह 8:30 से रहती है तो मेरी अराउंड 1:30 को क्लास खत्म हो जाती है. फिर मैं घर आती हूँ वापस, अपना वही अकेले रहने वाले लोगों का खाना बनाओ. उसके एक दिन में मैं एक प्रेफर करती हूँ कि एक बार खाना बना लूँ ताकि मुझे पूरे दिन में बार बार नहीं बनाना पड़े. तो वो करने के बाद जो मेरे असाइनमेंट्स रहती हैं वो करती हूँ,
अराउंड 4 बजे तक मैं असाइनमेंट्स और सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि घर आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप रिवाइज कर लें कि आपने क्या क्लास में क्या किया हुआ है, क्योंकि अगर हम वो रिविजन नहीं करते हैं कि क्या हुआ है तो फिर अगले दिन यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि क्या क्या चल रहा है. तो अराउंड 4 बजे तक मेरा सब कुछ हो जाता है. उसके बाद ऑफकोर्स घर पे बात होती है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाँ, अराउंड रात को फिर बाकी के जब कुछ और काम, कभी कभी ग्रोसरीज लेने जाना रहता है कहीं ना कहीं बाहर बाहर दोस्तों के साथ हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ. अगर ओके वो शाम का जो थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा रहता है वो हम वही करते हैं, क्योंकि खुद को खुश रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड करेक्ट ओके दैट इज ऑल. उसके बाद फिर जितना हो सके उतना जल्दी सोने, क्योंकि अगले दिन वापस उठना रहता है. तो बस वही ऐसे ही चल रहा है. ओके तो वीकेंड्स में 2 दिन आपका छुट्टी रहता है, तब आप क्या करते हो? घूमने जाते हो कहीं बाहर, या अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो, रिवीजन करते हो, क्या करते हो? फिलहाल तो सर, जैसे अभी फिलहाल मेरे वापस से इस मंथ के एंड में एग्जाम्स हैं, तो अभी तो फोकस मैं करें। मे भी हाँ, तो थोड़ा सा फिलहाल मैं थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं एग्जाम्स पे फोकस कर पाऊँ. बट हाँ, जब जैसे मेरा पिछली बार एग्जाम अभी लास्ट मंथ मैं थोड़ा बहुत घूमने गई थी. जैसे हम क्योन गए थे मेरे स्टूडेंट को लेके दोस्तों के साथ, हम क्योन घूमने गए थे. इट वॉज नाइस. मतलब वो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आपको लाइक हर तरह के लोग रहते हैं और काफी एक्साइटिंग है वो पार्ट भी यहाँ पे. इट्स ओके वेरी कूल. हाँ, थोड़ा बहुत तो घूमना वूमना होता ही है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं चले जाइए आप, क्योंकि वो दिमाग को फ्रेश करना भी इंपॉर्टेंट है. तो करेक्ट हाँ, सब कुछ चलता रहता है. ओके शोभिया। एंड फाइनली लास्ट सवाल, वेलकेयर ने आपके साथ किस तरह से ये प्रोसेस में हेल्प की, किस तरह से हम हेल्पफुल थे? आपको तो पता है 2-3 बार वीजा भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। तो वेलकेयर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था इस जर्नी के लिए, वेलकेयर ओवरसीज, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं सबसे पहले तो सर आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी. रितेश सर, नरेश सर, एवरीबडी हेल्प मी अ लॉट. ऑफ कोर्स जो गाइडेंस इन्होंने मुझे दिया है, इट वाज वेरी, मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शायद मैं दूसरी बार ट्राई नहीं करती अगर मुझे वो करेक्ट रूट नहीं मिलता. बट ऑफ कोर्स हेल्प तो देयर इज नो डाउट. मैं प्रोबेबली यहाँ नहीं होती अगर मुझे वेलकेयर की हेल्प नहीं मिली होती. तो डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड जब आप सोचते हो कि एक बहुत जब वन पॉइंट इन टाइम आपको लगता है कि हाँ सब कुछ इजी है और एक बार करेंगे हो जाएगा, क्या ही करना है, एक एग्जाम देना है और वीजा अप्लाई करेंगे, एवरीथिंग विल बी डन. बट इतना इजी नहीं है. बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप सोच नहीं सकते, और हर किसी का केस इज गोना बी डिफरेंट. तो प्रेफरेबली अगर कोई ऐसा रहे जो आपको गाइड कर सके ऑन द जर्नी, विल बी वेलकेयर इज गोना बी योर हेल्पिंग हैंड इन दिस जर्नी इफ यू चूज देम एज वेल. दैट इज हाँ, और मैं क्या ही बोलूँ सर. आई एम सो पापा सो आपके थैंकफुल. खुश है? अब पापा आपके खुश है? अब सब चीजें ऑन द वे चल रही है? हाँ सर, ऑन ट्रैक है. बीच बीच में मतलब पूछते रहते हैं पढ़ाई वगैरह का तो. बट हाँ, ऑफ कोर्स पापा खुश हैं. एक बार फाइनली मुझे जो जहाँ मुझे पहुँचना है, जो मुझे एक यूनिवर्सिटी चाहिए, एक बार वो हो जाए उसके बाद एवरीथिंग इज गोना बी ओके. बट वो भी हो जाएगा, वो भी अभी हो जाएगा। आप बस मेहनत करो, बाकी आगे का भी जो भी काम है वो भी हम आपके साथ ही खड़े हैं, हम थोड़े ना छोड़ने वाले। जब तक हाँ सर, यूनिवर्सिटी एंटर नहीं करोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, यस सर, उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल. तो कीप फोकसिंग ऑन योर टारगेट गोल, यूनिवर्सिटी में एंटर करना है मेडिसिन के लिए, और उसी पे फोकस रखो, और कुछ भी चीज़ों पे फिलहाल ध्यान नहीं देना है, और पापा से टच में रहना है, और उनके आशीर्वाद से, हमारे आशीर्वाद से पक्का तुमको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी जरूरत है हम तो आपके साथ है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना? सो थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच योर सर. टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय.